हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सीसेट की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ब्लड रिलेशन है इंपॉर्टेंट। तो ब्लड रिलेशन के ऊपर जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, मैं उसी तरह के क्वेश्चन कुछ आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट कि एग्जाम में अगर उसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ईजिली उसको कर सको। ओके, तो उससे पहले एक बार थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि हाँ जी ब्लड रिलेशन के अंदर जो रिलेशंस हैं उनको क्या हम नाम दे रहे हैं। अगर मान लो अपने पास में जैसे गिवन है मदर और फादर्स सन, तो उसको क्या कहेंगे, मदर का सन हो चाहे फादर का सन हो तो क्या हो गया, हाँ जी हमारा भाई होगा, तो यही है कि इसको क्या कहेंगे, ब्रदर कहेंगे। ये हमें पता होना चाहिए। वैसे तो देखो आप इस स्टेज पे हो कि इस तरह के रिलेशंस आपको सभी पता है, फिर भी कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आज। काफ़ी ये लगा लो कि हाँ जी प्रीवियस ईयर के अंदर जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार सारे के सारे टर्म्स समझते हैं उसके बाद में क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, तो देखो दूसरा क्या है, मदर और फादर्स डॉटर, डॉटर क्या हो जाएगी, फिर सिस्टर हो जाएगी, तो क्या हो गया हमारे पास सिस्टर। मदर्स ब्रदर कौन हो गया, हमारा मामा हो गया, मतलब मैटरनल अंकल हो गया। अब अगर मान लो ऑप्शन में हमारे पास मैटरनल अंकल गिवन है तो मैटरनल अंकल, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ अंकल गिवन है, मैटरनल पैटरनल मेंशन नहीं है, तो ध्यान रखो देखो अगर जो हमारे फादर होते हैं, फादर के ब्रदर सिस्टर जो होते हैं उनको हम पैटरनल बोलते हैं ना, ठीक है, पैटर्नल अंकल पैटर्नल आंट, सिस्टर है तो आंट हो जाएगी और अगर ब्रदर है तो अंकल हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से अगर हमारी मदर है, मदर का ब्रदर और सिस्टर है, उनको हम क्या बोलेंगे, मैटर्नल आंट अंकल, ठीक है, मीन्स ब्रदर है तो अंकल हो जाएगा और अगर आपके पास में सिस्टर है तो आंट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यही है कि अगर मदर्स का ब्रदर है तो क्या आ जाएगा, पैटर्नल अंकल मैटरनल अंकल, और अगर फादर का ब्रदर है तो क्या हो जाएगा, पैटरनल अंकल। ओके, ये छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद मदर और फादर सिस्टर, सिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो आंट, और साथ में यहाँ पे ध्यान रखना है अगर फादर की सिस्टर है तो क्या हो जाएगी, पैटरनल आंट, और अगर मदर की सिस्टर है तो मैटरनल आंट। ओके, अब उसके बाद है मदर और फादर्स फादर, फादर है तो क्या बोलेंगे हम उनको, ग्रैंडफादर, अगर मदर के फादर है तो भी हम ग्रैंडफादर बोलते हैं और अगर फादर के फादर है तो भी क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। ओके, इसी तरह से फादर और मदर्स मदर इज ग्रैंड मदर, सन्स वाइफ, सन की वाइफ को क्या बोलोगे आप, डॉटर इन लॉ, क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। ओके, इसी तरह से डॉटर्स हस्बैंड को क्या बोलेंगे, सन इन लॉ, क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। ओके, नेक्स्ट आपके पर हस्बैंड और वाइफ्स फादर, हस्बैंड और वाइफ्स फादर, तो वो क्या हो गया, फादर इन लॉ। इसी तरह से हस्बैंड और वाइफ्स मदर, क्या हो गया, मदर इन लॉ। ओके, उसके बाद है हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, मीन्स कि अगर हस्बैंड वाइफ में से अगर हम जो पार्टनर है, पार्टनर के ब्रदर की बात कर रहे हैं, पार्टनर के सिस्टर की बात कर रहे हैं, पार्टनर के फादर की बात कर रहे हैं, पार्टनर के मदर की बात कर रहे हैं, तो ला लग जाता है साथ में, इन लाज हो गए, ठीक है ना। तो फादर इन ला, मदर्स इन ला, ब्रदर इन ला, सेम वे अगर सिस्टर है तो क्या हो जाएगा, सिस्टर इन ला, ब्रदर है तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ब्रदर इन ला। क्लियर। अब दूसरा आता है कि सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड को क्या कहेंगे, सिस्टर्स हस्बैंड को कहेंगे आप ब्रदर इन ला। इस तरह से ब्रदर और सिस्टर का जो सन है उसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्यू, और अगर डॉटर है तो क्या बोलेंगे, नीस। क्लियर। हाँ जी, अगर भतीजे का रिलेशन है तो भी आपके पास में नेफ्यू रहेगा, अगर भांजे का रिलेशन है तो भी नेफ्यू रहेगा, ठीक है। सेम वे अगर भतीजी का रिलेशन है तो नीस होगा, सेम वे अगर भांजी का रिलेशन है तो भी क्या रहेगा, नीस रहेगा। बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आज मैं क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगी, तो जो मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ वो एक बार ध्यान रखना सभी ने, कि अगर मेल है तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्केयर। ओके, मेल को हम इन स्केयर करेंगे, अगर फीमेल है तो उसको हम सर्कल के अंदर लेंगे, ठीक है। अगर सिबलिंग्स का रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर का रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, मीन्स की तो उस केस के अंदर जो रिलेशन है वो उसको हम जिस
डिनोट करेंगे एक लाइन से. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, तो ब्रदर को किस में लेंगे, मैंने अभी कहा मेल है स्क्वायर के अंदर, सिस्टर है तो उसको किस में लेंगे सर्कल के अंदर. दोनों सिस्टर ब्रदर सिस्टर है तो क्या करेंगे हम लाइन के साथ में उन दोनों को कनेक्ट करेंगे. ओके इसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ अगेन सेम जनरेशन के अंदर आएगा ना, तो अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है तो उस केस में हस्बैंड मेल है वाइफ फीमेल है और उन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे एक कर्व लाइन से. ओके सभी के अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट यूज करते हैं, कि सिंगल लाइन डबल लाइन, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ जो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. इस तरह से प्लस माइन का साइनस का साइन भी कुछ लोग यूज करते हैं. तो अभी जो अभी आज की क्लास के अंदर जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें यही टर्म्स में यूज करने वाले हैं. ये आपको पहले इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाए. ओके अब इसके बाद जनरेशन को कैसे हम शो करेंगे. अगर मान लो मेरे पास में दो जनरेशन है, मीन्स मैं कहती हूँ फादर सन के रिलेशन को मैंने डिनोट करना है, तो फादर अपर जनरेशन हो गया और सन लोअर जनरेशन हो, तो इस तरह से हम उसको ट्री के अंदर डिनोट करेंगे. अगर मदर के साथ में हमने रिलेशन शो करना है, मदर अगर सन है देन इन स्क्वायर कर देंगे, अगर डॉटर है इन सर्कल कर देंगे. ओके क्लियर है बिल्कुल. अभी इसी टर्मोलॉजी के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में. फर्स्ट क्वेश्चन है, अब जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है जिसपे ब्लड रिलेशन पे, तो ध्यान क्या रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे जो फैमिली ट्री है वो आना चाहिए कि कैसे मैं फैमिली ट्री जनरेट करूँ. एक बार जब आप फैमिली ट्री बना लेते हो उसके बाद में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है. इवन ऐसा भी होता है कि एक बार आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं उसके ऊपर आपके दो से तीन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं. ओके दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं 5 to 7.5 मार्क्स का भी ब्लड रिलेशन आ जाता है एग्जाम के अंदर. तो इसको ध्यान से समझना हमने कि फैमिली ट्री हम कैसे जनरेट करेंगे. एक बार ये आ गया ना आपको तो ये लगा लो कि पूरा ब्लड रिलेशन क्लियर है आपका. अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर, ए एंड बी आर मैरिड कपल. ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए है और बी मैरिड कपल है. मुझे ये नहीं पता कि दोनों के अंदर से हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है. ओके अब यहाँ पे आगे साथ में ही मेंशन कर दिया ए बीइंग ए मेल मेंबर, ए मेल मेंबर है. जैसे मुझे पता चला कि ये मेल मेंबर है क्या कर देंगे उसको हम स्क्वायर के अंदर कर देंगे. दैट मीन्स कि फीमेल मेंबर होगी बी और दोनों का रिलेशन हमने ऐसे डिनोट कर दिया. ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल. हाँ जी उसके बाद देखो डी इज ओनली सन ऑफ सी. डी इज ओनली सन ऑफ सी. अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ. खैर अब डी इज ओनली सन ऑफ सी. हु अगर यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स हम सी की बात कर रहे हैं. हु इज ब्रदर ऑफ ए, दैट मीन्स कि सी इज ब्रदर ऑफ ए. सी इज ब्रदर ऑफ ए, यही है. एंड डी इज ओनली सन ऑफ सी. डी इज ओनली सन ऑफ सी, यही कहा गया है. अब आगे देखो इज ब्रदर ऑफ ए. ई इज सिस्टर ऑफ डी. ई इज सिस्टर ऑफ डी. अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूज नहीं होना. यहाँ पे कह रहा था कि आप कहीं कहो कि यहाँ पे तो मैडम लिखा है कि ओनली सन कल्ला कल्ला बेटा है और यहाँ पे क्या कह रहे हैं ई इज सिस्टर ऑफ डी. अब यहाँ पे ओनली का मीनिंग क्या है बेटा, बेटा कल्ला कल्ला है, बेटी तो हो सकती है ना. उसने कहा कि बेटा कल्ला कल्ला है मीन्स बेटी तो हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है. देन आगे देखो क्या है, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ. बी क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, एफ की. दैट मीन्स कि यहाँ पे एफ है वो कौन है, पेरेंट्स ऑफ ए है, ये उसकी डॉटर इन लॉ. दैट मीन्स कि इसके हस्बैंड के फादर या मदर हो सकते हैं एफ. आगे देखिए क्या है, हुज हस्बैंड हैज डाइड, उसका जिसका हस्बैंड डाइड हो चुका है. दैट मीन्स व्हाट, कि ये क्या है, उसकी मदर है. ओके बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट किसी को. एक बार दोबारा से रिपीट कर दे, तो देखो क्या, ए एंड बी आर मैरिड कपल. ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग मेल मेंबर, ए मेल है दैट मीन्स सी इज फीमेल एंड दोनों का रिलेशन हमने कर्व लाइन से डिनोट कर दिया. डी इज ओनली सन ऑफ सी. हु इज ब्रदर ऑफ ए मीन्स सी इज ब्रदर ऑफ ए एंड ही हैज वन सन एंड वन डॉटर. ओनली सन का दैट मीन्स की डी सन. एंड ई इज सिस्टर ऑफ डी. सी इज सिस्टर ऑफ डी. B is daughter in law of F. B daughter in law है F की. That means क्या है, उसके husband की माँ है. तो यहाँ पे जो F है
ठीक है ना, वो कौन है, बी के हस्बैंड की मदर है, तो यही है। अब देखो क्वेश्चन क्या, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, ई कैसे रिलेट करता है सी के साथ में, ये ई है ठीक है, ये सी है। अब देखो ई कौन है, सी की बेटी है, क्या है, बेटी है, दैट मीन्स की डॉटर है, आंसर विल बी डॉटर, डन। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी सेम है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ एंड डी, एफ देखिए एफ कहाँ पे है आपका, एफ ये है डी ये है, तो एफ क्या है उसकी ग्रैंड मदर होगी, क्या हो गया, दादी है ना, ये देखो ये दोनों भाई है, ये इसका उस दोनों की माँ है, तो ये क्या होगी उसकी, एफ क्या है, ग्रैंड मदर है, सो आंसर विल बी एफ इज ग्रैंड मदर, ओके। हाँ जी एफ क्या आ जाएगा, ग्रैंड मदर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ए इज सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी, यही लिखा है, जैसे जैसे लिखा होता वैसे वैसे हमने ट्री बना देना है। अब कह रहे हैं व्हाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी एंड क्यू आर सिस्टर, दैट मीन्स कि ये सी क्या है, फीमेल है, और इसकी एक सिस्टर है क्यू, वो भी क्या है, फीमेल होगी, डन। हाँ जी क्यू एंड सी एंड क्यू आर सिस्टर टू वन अनदर, जेड इज मदर ऑफ क्यू, जेड इज मदर ऑफ क्यू, मदर है क्यू की। इफ पी इज सन ऑफ जेड, इफ पी इज सन ऑफ जेड, ये जेड है, जेड की मदर, जेड क्या है, क्यू की मदर है, और जेड का एक सन है, कौन है, पी, पी इज सन ऑफ जेड का है ना, दैट मीन्स कि इनका भाई हो गया पी, मीन्स कि ये जो जेड है, जेड के तीन चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, कौन है, सी क्यू एंड पी, सी एंड क्यू आर सिस्टर एंड पी इज देयर ब्रदर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ ए, यस क्यू क्या है यहाँ पे, हाँ जी हमें पता चल रहा है कि यहाँ से जो क्यू है, क्यू कौन है, उसकी मासी हो जाएगी, मैटरनल आंट हो जाएगी, तो ये आपके पास में रॉन्ग हो गया। पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी इज मैटरनल अंकल, ये देखो ये सी और क्यू दोनों बहनें थी, पी इनका ब्रदर हो गया, दैट मीन्स कि वो ए का क्या हो गया, मैटरनल अंकल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी बताइए किसी को कोई भी डाउट, हाँ जी अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ब्लड रिलेशन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट तो आपका इसी क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगा, जस्ट अब आपको प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस की, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ब्लड रिलेशन पे, ओके। नेक्स्ट देखो, ए प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या है कि जो रिलेशन है ना, रिलेशन को एक साइन से डिनोट किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अगर प्लस का साइन आ रहा है दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या है, सन, और माइनस का साइन आ रहा है दैट मीन्स की वाइफ, ओके। अब एक एक्सप्रेशन भी गिवन है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, पी प्लस आर माइनस क्यू, पी प्लस आर, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पी इज सन ऑफ आर, पी इज सन ऑफ आर, आर माइनस क्यू मीन्स ए माइनस बी वाला रिलेशन आएगा आपके पास, मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर इज वाइफ ऑफ क्यू, आर इज वाइफ ऑफ क्यू, डन, ट्री बन गया। अब देखते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या, क्यू इज सन ऑफ पी, यहाँ पे देखो क्यू इज सन ऑफ पी, बिल्कुल करेक्ट है, क्यू इज सन ऑफ पी। अब यहाँ पे देखो करेक्ट है, पी इज सन ऑफ क्यू या क्यू इज सन ऑफ पी, बताओ, ये देखो ये मैरिड कपल है आर एंड क्यू, और उनका एक बेटा है पी, तो अब हमारे पास में यहां से पी और क्यू का अगर हम रिलेशन देखें तो क्या बनेगा, पी सन है ना, पी इज सन ऑफ क्यू, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्यू इज सन ऑफ पी, दैट मीन्स कि रॉन्ग हो गया। दूसरा है क्यू इज वाइफ ऑफ पी, क्यू इज वाइफ ऑफ पी, नो क्यू इज, हमने यहाँ पे देखा है क्या है, फादर ऑफ पी, क्यू इज फादर ऑफ पी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा यहाँ पे कि पी इज सन ऑफ क्यू, दैट मीन्स क्यू इज फादर ऑफ पी, बिल्कुल सही है, क्या आ जाएगा, क्यू इज फादर ऑफ पी, डन। हाँ जी बताएंगे, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए फैमिली ऑफ टू जनरेशन। अब देखो जो आपके पास स्टेटमेंट में ना कुछ
क्लूज गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि टू जनरेशन मीन्स जब मैंने अपना ट्री जनरेट कर रहा तो उसके अंदर सिर्फ मैंने दो ही जनरेशन रखनी है, तीसरी जनरेशन नहीं बनानी. ओके, कंसिस्ट ऑफ सिक्स मेंबर्स, पी क्यू आर एस टी यू एज हैज थ्री मेल्स. क्या पॉइंट है? थ्री मेल्स एंड थ्री फीमेल्स. क्या हमें यहाँ से क्ल्यू मिला है कि दो जनरेशन है, तीन मेल है और तीन ही फीमेल है. ओके, देयर आर टू मैरिड कपल्स हैं एंड टू अनमैरिड सिबलिंग्स, दो अनमैरिड सिबलिंग्स है. ओके, यू इज पीज डॉटर. यहाँ पे क्या कह रहा है? यू इज पीज डॉटर. यू इज जो यू है, यू इज पीज डॉटर. ये यू है, क्या है? डॉटर है किसकी? पी की. ये हमें गिवन है. आगे क्या है? एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ. क्यू कौन है? आर की मदर इन लॉ. अभी इस लाइन को अभी हम नहीं कह सकते कुछ भी. क्या कहा है उसने? सिर्फ ये कहा है क्यू इज आर्स मदर इन लॉ. अब मदर इन लॉ किस में आएगी? अपर जनरेशन में आएगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गिवन तो दो ही जनरेशन थी, तो बस सिर्फ मुझे यहाँ से क्या पता चला है कि जो क्यू है ना, क्यू तो यहाँ पे कहीं आएगा. ठीक है, और आर जो क्यू है, क्यू का बेटा या बेटी कोई होगा, उसकी हस्बैंड या वाइफ कौन होगी? आर होगी. पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, देखो छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, आर की मदर इन लॉ. अब मुझे ये नहीं पता कि आर मेल है या फीमेल है, मेल या फीमेल में से कोई भी हो, मदर इन लॉ कौन होगा? जो इसका पार्टनर होगा उसकी मदर इन लॉ, ये यहाँ पे आएगी. ठीक है, तो यही कहा है इसने. एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, दैट मींस कि ये फीमेल है और ये आर की मदर इन लॉ. पॉइंट इज क्लियर? अब इसमें एक और भी एक पॉइंट क्या कहा गया था कि दो कपल है, दो मैरिड कपल है, दैट मींस एक तो कपल ये हो जाएगा. ठीक है, और दूसरा कपल कौन सा हो गया? ये हो गया दूसरी जनरेशन के अंदर, मीन्स कि ये क्या हो गया आपके पास में? मेल हो गया. डन, आगे देखते हैं. आगे आपके पास गिवन है टी इज अनमैरिड मेल. अब यहाँ पे वन टू थ्री, एक यहाँ पे आ जाएगा फोर फाइव, एक पर्सन और आएगा टी. अब अगर मैं टी को यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, दैट मीन्स कि टी इज मैरिड, मीन्स यहाँ तो हम प्लेस कर नहीं सकते. यहाँ पे कौन आएगा? मैरिड पर्सन आएगा. और यहाँ पे क्या कह रहा है? टी इज अनमैरिड मेल, अनमैरिड मेल है, दैट मीन्स कि टी को कहाँ पे प्लेस करेंगे? यहाँ पे अनमैरिड मेल. ओके, अब बच गया कौन यहाँ पे? अब हमारे पास में कौन बच गया? एस बच गया. ठीक है, अब एस का अगेन मुझे नहीं पता एस क्या कह रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन आएगा? ऐसा आ गया. अब आगे पॉइंट क्या है? एस इज ए मेल, एस मेल है, तो अगर ये मेल है तो ये कौन होगा? फीमेल होगी. फीमेल होगी, ये सारे क्या कौन हो गए? बहन भाई हो गए, सिबलिंग्स हो गए. पॉइंट इज क्लियर? अब देखते कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है नहीं. टू मैरिड कपल, यस देर आर टू मैरिड कपल्स, थ्री फीमेल्स, वन टू एंड थ्री फीमेल्स एंड थ्री मेल्स, ये भी, और दो जनरेशन बन रही है, मीन्स कि हमारा फैमिली ट्री बिल्कुल करेक्ट है. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. क्वेश्चन क्या है? आर इज यूज हस्बैंड, आर तो वाइफ है किसकी? एस की, दैट मीन्स ये तो रॉन्ग हो गया. आर इज एस्ट वाइफ, आर इज एस्ट वाइफ, ये बिल्कुल करेक्ट है. डन, नेक्स्ट देखिए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि सभी को पता है कि अभी अक्टूबर में अपना एग्ज़ाम होना है सीसेट का, टाइम हमारे पास बहुत कम है. तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी वीडियो कोर्स की रिक्वायरमेंट है, मे बी इट इज़ कम्प्लीट कोर्स, हाँ जी कम्प्लीट कोर्स, या आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको चाहिए, या आप कह सकते हो लॉजिकल रीजनिंग की आपको ज़रूरत है, या फिर आपको इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, इसके अलावा अभी वीडियो कोर्सेज के अंदर हमारी दो सीरीज काफ़ी ज़्यादा चल रही है. कौन सी? एक है प्रीवियस ईयर सीरीज, जिसके अंदर प्रीवियस सिक्स ईयर्स के क्वेश्चंस हमने आप लोगों के साथ पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो. दूसरा, अभी जो सीरीज चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है जिसके अंडर आज की वीडियो चल रही है, दिस इज अंडर एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन सीरीज. इसके अंदर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं. ओके, तो ये दो सीरीज है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो. तो इसके अंदर क्या है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे दोनों के अंदर. दूसरा ये है कि इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है.
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि हाँ जी मुझे ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं कहती हूँ कि मुझे ऑर्डर एंड रैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या मैं कहती हूँ कि मुझे नंबर सिस्टम में थोड़े कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हो। ओके कैसे, उसके लिए आपको जाना है माइक्रो कोर्सेज के अंदर, ठीक है। माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं, माइक्रो कोर्सेज का लिंक, अभी जो वीडियो कोर्सेज है, माइक्रो कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपने जाना माइक्रो कोर्सेज, और माइक्रो कोर्सेज के अंदर जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको इशू आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम में से सी सेट के अंदर, है ना, तो आप नंबर सिस्टम ले सकते हो। इसी तरह से मान लो आपको प्रॉफिट लॉस में इशू आ रहा है, प्रॉफिट लॉस ले सकते हो। इसी तरह से मान लो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है, यू कैन टेक द MCQs ऑफ ब्लड रिलेशन, ओके। तो उसके लिए क्या करना, माइक्रो कोर्सेज में जाना है, और जब आप इसको व्यू करते हो माइक्रो कोर्सेज को, तो सारे टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस में सारे आपको विजिबल हो जाएंगे, और वहां से आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। इवन आपके पास में और भी ज़्यादा फ्रीडम है, क्या कि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन वीडियो लेक्चर्स, ओके। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हो। अगर स्टडी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो स्टडी नोट्स ले सकते हो, ओके। हाँ जी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, एक जॉइंट फैमिली है, हाँ जी, जॉइंट फैमिली जिसके अंदर कितने मेंबर है, 7 मेंबर्स, डन। ए बी सी डी ई एफ जी विद 3 फीमेल्स, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट बताया गया, क्या है, 3 फीमेल्स है उसके अंदर। जी इज ए विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज फादर बी। अब यहाँ पे देखो, एक सिर्फ एक लाइन के अंदर इतना कुछ बताया गया है, कह रहा है कि जी इज ए विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर। ये है डी, ठीक है, ये है डी का फादर, फादर कौन है, एफ, और उसकी सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है मतलब कि इसकी वाइफ की बहन है, ये इसकी वाइफ हो गई, और इसकी वाइफ की बहन है कौन, जी, और जो कि विडो है, इसका हस्बैंड नहीं है फैमिली के अंदर, ओके। अब आगे देखिए, B एंड D आर सिबलिंग्स, B एंड D आर सिबलिंग्स, मिस D है, इसके साथ में कौन आ जाएगा, B, अभी तक हमें उनका जेंडर नहीं पता है, ओके। एंड A इज डॉटर ऑफ B, A इज डॉटर ऑफ B, A क्या है, डॉटर है किसकी, B की, क्लियर। C इज कजन ऑफ B, C क्या है, कजन है B का, कजन क्या होता है, कजन क्या हो गया, जैसे मौसी का भाई, मौसी का बच्चा हो गया आपके पास में, ठीक है, या भुआ का बेटा बेटी हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, कजन्स होते, चाचे के बेटा बेटी हो गए, मीन्स कि जो हमारे फादर या मदर है, फादर मदर के जो सिबलिंग है, उनके आगे फर्दर जो बच्चे हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, यस, कजन्स कहेंगे, यही होता है। तो अब यहाँ पे इसने क्या कहा, सी इज कजन ऑफ बी, मीन्स कि बी का रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, क्या है, सी कौन है, कजन है, कजन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वो जो जी है, जी का चाइल्ड है, क्लियर। अब हमने यहाँ पे सारा का सारा ट्री तो बन गया हमारा, बट अभी तक जेंडर्स हमारे नहीं स्पेसिफाई हुए हैं, तो वो देखने। अब यहाँ पे एक पॉइंट था, क्या, 3 फीमेल्स हैं, 3 फीमेल्स हैं, तो यहाँ पे हमने देख लिया, एक फीमेल ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, हाँ जी। वन मोर थिंग, वन पर्सन रह गया, अब हमारे पास कौन कौन थे, ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ई रह गया, तो ई कहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, ओके। 3 फीमेल का है, 3 फीमेल हो गए, दैट मीन्स कि जो बाकी हैं वो क्या हैं, सारे के सारे मेल्स, हाँ जी, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हु इज ई, ई कौन है, ई कौन है, देखो ई ये है, अब इसका रिलेशन देखते हैं, वाइफ ऑफ एफ, वाइफ ऑफ एफ बिल्कुल करेक्ट है, ग्रैंड मदर ऑफ ए, ए की ग्रैंड मदर है, ये देखो, एफ इज फादर ऑफ डी एंड बी, एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, तो ये कौन हो गई, ये ग्रैंड फादर, दिस इज ग्रैंड मदर, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला, आंट ऑफ सी, सी की आंट है, ये सी है, सी की क्या होगी, आंट होगी, ये जो सी है, सी की मदर है जी, एंड ई इज सिस्टर ऑफ जी, दैट मीन्स क्या है, ई इज आंट ऑफ सी, मीन्स तीनों के तीनों हमारे करेक्ट हैं, सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, ओके, तीनों करेक्ट है, डन। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, सेम क्वेश्चन है, देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वही है, और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, यही क्वेश्चन है, जॉइंट फैमिली वाला,
अब यहाँ पे क्वेश्चन हाउ जी इज रिलेटेड टू सी, हाउ जी इज रिलेटेड टू सी। अब यहाँ पे देखो ये जी है और ये सी है, जी कौन है, सी की मदर है, सो आंसर विल बी मदर। ओके नेक्स्ट है आपके पास में, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस टी इज सिस्टर ऑफ डी, टी इज, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं गिवन है कि हाँ जी इतने मेंबर है आप काउंट कर लो कि ये हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे वैसे ही उसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टी इज सिस्टर ऑफ डी, टी इज सिस्टर ऑफ डी, जैसे ही उसने सिस्टर कहा मैंने उसको इन सर्कल कर दिया, ठीक है। डी इज मैरिड टू पी, डी इज मैरिड टू पी, ओके, एंड पी इज सन ऑफ एम, जैसे उसने कहा कि सन ऑफ एम, एम का सन है, ठीक है, दैट मीन्स ये सन है तो ये क्या होगी फिर, फीमेल होगी, उसकी वाइफ होगी, ठीक है ना, पी की वाइफ है तो फीमेल हो गई। पी इज सन ऑफ एम, टी इज मदर ऑफ जे, टी इज मदर ऑफ जे, अभी यहाँ पे देखो टी क्या कह रहा है कि मदर है जे की, ये टी है, टी इज मदर ऑफ जे, ओके। नेक्स्ट गिवन है वाई इज द फादर ऑफ यू, वाई इज फादर ऑफ यू, अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मैं यू को और वाई को कहाँ पे पुट करूँ, इस लाइन से हमें नहीं पता चल रहा, बस सिर्फ मुझे क्या पता चला वाई इज फादर ऑफ यू, यू है कोई, ठीक है, साइड में हम इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं, वाई इज फादर ऑफ यू, ये है वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, वाई का एक सन है और एक डॉटर भी है, यही कहा एक सन है और एक डॉटर है, अभी इसमें से भी हमें ये नहीं पता कि हाँ जी सन कौन है और डॉटर कौन है, अभी जस्ट इसको ऐसे ही मेंशन कर लेते कि यहाँ पे कोई ना कोई आएगा। अब आगे देखो, वन सन एंड ओनली वन डॉटर, यू इज डॉटर ऑफ टी, यू कौन है, डॉटर है टी की, अब हमने यहाँ पे ये यू पढ़ा, यू जो है वो, यू का फादर कौन है, वाई है, और यू की क्या कह रहा है कि डॉटर है किसकी, टी की, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास में जो यू है, यू यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या कहा है, सिंपल सा एक पॉइंट कहा गया है, क्या वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, ठीक है, एंड यू इज डॉटर ऑफ टी, यहाँ पे हमें पता है यू इज डॉटर ऑफ वाई, एंड दूसरा क्या कहा, यू इज डॉटर ऑफ टी, दैट मीन्स कि वाई और टी क्या है, उसके पेरेंट्स हैं यू के, दैट मीन्स कि यू कहाँ पे आएगा आपके पास में, यहीं पे कहीं आएगा, और डॉटर है तो ये डॉटर आ गए, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इसको, ओके, दैट मीन्स कि ये हो गया वाई आपका, और ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ये दोनों क्या हो गए, बहन भाई हो गए, क्योंकि उसने कहा है कि एक सन है और एक डॉटर है, यही कहा है ना, एक सन है एक डॉटर, तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि भाई अगर यू डॉटर है, यू डॉटर है तो जे क्या हो गया, उसका सन हो गया, ओके, हाँ जी आगे क्या गिवन है आपको, क्यू इज सन ऑफ डी, क्यू इज सन ऑफ डी, क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और क्यू आ गया हमारे पास में, क्यू इज सन ऑफ डी, हाँ जी बताओ क्लियर है बिल्कुल, कोई इसके अंदर डाउट किसी को, अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बताओ क्लियर है, पजल बन गई आपकी। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी कैसे रिलेट कर रहा है टी से, अब देखो ये पी है और ये टी है, अब यहाँ पे हमने देखा कि जो डी है, डी की बहन है टी, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि डी की सिस्टर हो गई टी, अब यहाँ पे ये डी की सिस्टर है और ये क्या है, उसका हस्बैंड है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वाओ पी इज रिलेटेड टू टी, दैट मीन्स कि पी उसका क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, जीजाजी हो गए उसके, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ब्रदर इन लॉ विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हाउ जे इज रिलेटेड टू डी, जे एंड डी, अब जे देखो कहाँ पे, जे ये है और डी ये, जे इज रिलेटेड, अब जे क्या है, हाँ जी ये उसकी मदर है, ये उसकी मदर की बहन है, मीन्स ये उसकी मासी होगी, ये क्या होगी, उसकी भांजा है, भांजी, हमें पता है कि इसका जेंडर क्या है, मेल, क्या हो जाएगा, भांजा, दैट मीन्स कि नेफ्यू हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में, यस नेफ्यू विल बी द करेक्ट आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, इफ एम इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू देन हाउ क्यू इज रिलेटेड टू डब्ल्यू, कह रहा है कि क्यू कैसे रिलेट करेगा डब्ल्यू से, अगर
एम वाइफ है डब्ल्यू की, आप देखो सेम पजल पे जाते हैं, कह रहे कि एम वाइफ है डब्ल्यू की, एम जो है वो वाइफ है डब्ल्यू की, यही कहा गया, यही कहा गया। देखो ध्यान से क्या कहें, इफ एम इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू देन हाउ क्यू इज रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो क्यू कैसे रिलेट करेगा डब्ल्यू से, क्यू कहां पे, क्यू ये है, क्यू कैसे रिलेट करेगा डब्ल्यू से, हाँ जी जस्ट मिनट, वाइफ है डब्ल्यू की दैट मीन्स की मेल है, ठीक है, क्यू क्या हो गया फिर, हाँ जी ग्रैंडसन हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, क्यू ग्रैंडसन हो गया, ये कौन हो गया डब्ल्यू, कौन हो गया ग्रैंडफादर हो गया, डब्ल्यू इज ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, और यू कैन से क्यू इज ग्रैंडसन ऑफ डब्ल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यस ग्रैंडसन, क्लियर, हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट, आई होप मैंने ब्लड रिलेशन पे जो आपको कंसेप्ट दिया ट्री जो है मेन बेसिकली, हाँ जी फैमिली ट्री दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ब्लड रिलेशन कर रहे हो, अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है इन दैट केस आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ईजिली कर लोगे, ओके तो इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस सभी को करनी है, ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नए टॉपिक के साथ में, ओके थैंक यू।